भगवान बुद्ध के जन्म होने की और उनके ज्ञान प्राप्त होने की और उसी दिन उनके निर्माण होने की यानी कि निर्वाण होने की ये जो अद्भुत घटना जिस दिन हुई उसको सारा संसार वैसाख के नाम से जानता है। वैसाख एक पाली का शब्द है। वैसाख उस महीने को बोलते हैं जो मई के महीने में लगभग आता है। वैसाख महीने में जिस दिन पूरन चंद हुआ था, पूरन चंद का मतलब है कि चांद जिस दिन कंप्लीट हुआ था, पूर्ण हुआ था, उसको पूर्णमासी भी बोलते हैं, यानी कि महीने का पूर्ण होना या पूरा होना। भगवान बुद्ध का यानी जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे या सिद्धार्थ नाम का जो बच्चा था उसका जो जन्म है वो वैसाख पूर्णमासी को बताया जाता है और वैसाख पूर्णमासी के दिन यानी कि उसी दिन वो पैदा हुए। ये उनके जीवन की पहली घटना रही है। 35 साल की उम्र में निरुजना नदी के पास में जिसे फागुन रिवर भी बोलते हैं वहाँ पर उन्होंने 6 साल तक कठिन मेहनत की और कठिन मेहनत के बाद वैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें जो बोधि सुप्रीम नॉलेज यानी जो दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान है वो वहाँ उन्हें प्राप्त हुआ। ये उनके जीवन की दूसरी घटना घटी जो वैसाख पूर्णमासी को यानी वैसाख पूर्णचंद को या वैसाख फुलमून को घटी। तीसरी घटना उनकी घटी जो उनके कंट्रोल में थी। जो बुद्ध हो जाते हैं वो अपनी मृत्यु के मालिक खुद हो जाते हैं और जब वो चाहें अपना शरीर छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं और अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। ये बुद्ध होने की एक खास गुण या खास बात होती है। भगवान बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने 3 महीने पहले ये घोषणा की कि वो अपनी 80 साल की आयु में वैसाख पूर्णमासी के अंतिम पहर में रात को अपना शरीर यानी अपनी सांसें बंद करेंगे और अपना शरीर छोड़ेंगे। ये उनके जीवन की तीसरी घटना है जो वैसाख पूर्णमासी को हुई। पूरी दुनिया में वैसाख पूर्णमासी को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बेशक चाहे इस दिन उनका जन्म हुआ है या ज्ञान प्राप्त हुआ है या उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, मगर बौद्धों में यानी जो बुद्धिस्ट परंपरा के लोग हैं और जो इस बात को जानते हैं वो हमेशा इसको पॉजिटिव लिख देते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमेशा से ही खुशी और शांति का बात बताई है। इसलिए जो मृत्यु होती है किसी भी बुद्ध की वो एक अच्छी बात मानी जाती है, वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसी अद्भुत घटना तीनों एक साथ एक दिन हुई इसलिए पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है, मगर ये कोई चमत्कारी घटना नहीं है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब वो जैसे बुद्ध पैदा हुए 9 महीने के पूरे होने के बाद 10 दिन वो प्राकृतिक है, ज्ञान उन्हें मिला मेहनत के बाद प्राकृतिक है क्योंकि बाकी जितने भी बुद्ध हैं उनको अलग अलग दिन ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो उनका मृत्यु है वो मृत्यु उन्होंने खुद चुनी है। इसलिए ये कोई चमत्कारी घटना नहीं है, ना ही ये कोई संयोग है, ये एक जीवन की प्राकृतिक घटनाएं हैं। मृत्यु जरूर उनके वश में थी जो उन्होंने वैसाख पूर्णिमा के दिन चुनी, बाकी सब कुछ प्राकृतिक है। धन्यवाद।